हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हो सब? अरे रे रे, क्या पूछ रहा हूँ, आज तो सब एकदम मस्त होंगे भाई। कल की शाम ही कुछ ऐसी थी। तो आज का अपना एपिसोड नंबर है 313। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीत गए, और साथ ही कल हमारे प्यारे किंग कोहली और कैप्टन रोहित शर्मा दोनों ने T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है। इतने सालों से यंगस्टर्स और हम सबको इंस्पायर करने के बाद दिस इज फाइनली द एंड ऑफ एन एरा। हैप्पी रिटायरमेंट चैंप्स, हम बहुत 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 ज्यादा खुश है, एंड थैंक यू सो मच टीम इंडिया। खैर, वीडियो में आगे बढ़े तो आज की हमारी सबसे पहली अपडेट है प्रभास और अमिताभ जी की कल की 289 टेडी मूवी से। तो अगर आप कल की के पार्ट 2 को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो तो बता दूं कि कल की के पार्ट 2 के शूट 60% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ मेजर पोर्शन शूट करने बाकी है, और सब कुछ सही रहा तो मोस्ट प्रोबेबली हमें इस मूवी का पार्ट 2 साल 2026 के एंड में दिख सकता है। हाँ, मेकर्स की तरफ से इन सब का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इन सब के अलावा कल दोपहर 12 बजे कल की मूवी का एक वीडियो सॉन्ग भी ड्रॉप हुआ है। ये वही सॉन्ग है जो कॉम्प्लेक्स में दिशा और प्रभास के बीच हुआ था। साथ ही मूवी से दुलकर सलमान के किरदार कैप्टन का भी कैरेक्टर पोस्टर शेयर किया गया है। अगली अपडेट आ रही है मैत्री मूवी मेकर्स और सनी देओल की अगली फिल्म SDGM से, जहां ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि इस मूवी का टाइटल जाट हो सकता है। इस मूवी की शूटिंग एक मैराथन शेड्यूल में चल रही है, यानी कि एक शेड्यूल में पूरी मूवी की शूटिंग कंप्लीट होगी, जहां सितंबर तक इस मूवी का शूट कंटिन्यू चलेगा। अर्ली सितंबर तक मूवी के शूट्स रैप अप हो जाएंगे, जिसके बाद सनी देओल रामायण और बॉर्डर 2 मूवी के शूट्स को ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कमल हसन और डायरेक्टर शंकर की मूवी इंडियन 2 से। जब कमल हसन से एक रिसेंट इंटरव्यू के अंदर उनके किरदार सेनापति की एज के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सेनापति इज लाइक सुपरमैन, उसकी एज मत पूछो। साथ ही उन्होंने ये भी रिवील किया कि इंडियन 3 में उन्होंने सेनापति के फादर का भी रोल किया है किसी एक फ्लैशबैक सीन में। इसके अलावा इस इंटरव्यू के अंदर कमल हसन ने यह भी बताया कि एक्चुअली में उन्होंने कल की मूवी इसके पार्ट 2 के लिए साइन की, और उनके अकॉर्डिंग यास्किन के किरदार के लिए पार्ट 2 में काफी कुछ है, जिसको देखते हुए उन्होंने पार्ट 1 को साइन किया। अगली अपडेट की बात करें तो एक्टर गोविंद नामदेव ने ऋतिक रोशन को स्लैम करते हुए कहा कि वो पहले ऋतिक को बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब वो गुटखा और गैम्बलिंग का ऐड कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक्टर्स ऐसे गलत ऐड करके न्यू जनरेशन को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो काफी रिग्रेट करते हैं अपना डिसीजन जब उन्होंने एक पान मसाला ऐड किया था। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो मैत्री मूवी मेकर्स और एक्टर अजीत कुमार की अगली फिल्म गुड बैड अगली से एक अपडेट है, जहां इस मूवी का सेकंड लुक पोस्टर ड्रॉप हो चुका है, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो राइटर और डायरेक्टर विजयेंद्र प्रसाद 450 करोड़ के मैसिव बजट की मूवी प्लान कर रहे हैं, वो भी RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर, जो कि RSS की 100th एनिवर्सरी के लिए एक सेलिब्रेशन जैसा होगा। लेकिन वो सब तो ठीक है, पर 450 करोड़ का बजट, ये लोग सच में सीरियस है क्या इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? अगली खबर की बात करें तो कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि पूजा एंटरटेनमेंट के अंदर पेमेंट के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और इतनी सारी बड़ी बजट की मूवीज में इन्वेस्ट करने के बाद पूजा एंटरटेनमेंट बहुत बड़े क्राइसिस से डील कर रही है। इवन ये भी खबर आ रही है कि बड़े मियां छोटे मियां मूवी के लिए टाइगर श्रॉफ, अलाया फर्नीचर वाला और मानुषी चिल्लर को अब तक एक्टिंग फीस भी नहीं दी गई है। एक्ट्रेस ने कई बार प्रोडक्शन हाउस से पेमेंट की डिमांड की है, लेकिन उनकी पेमेंट क्लियर नहीं हुई। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सलमान खान AR मुर्गादोस और साजिद नडियाडवाला की फिल्म सिकंदर मूवी से काफी रूमर्स आ रहे हैं, जहां ऐसा बताया जा रहा है कि मलयालम एक्टर फहद फाजिल इस मूवी का पार्ट होंगे। पर मैं आपको बता दूं कि ये रूमर फेक है, फहद फाजिल का इस मूवी से कोई कनेक्शन नहीं है अब तक। बाकी अगर इन फ्यूचर कुछ होगा तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अगली अपडेट की बात करें तो मराठी फिल्म आम ही जरांगे का कल टीजर ड्रॉप हुआ। सनशाइन स्टूडियो के अंदर बनने वाले इस फिल्म के अंदर मरकन देशपांडे और प्रसाद ओक जैसे आर्टिस्ट है। इसके अलावा ये मूवी रिलीज होने वाली है अगले महीने 5 जुलाई को। वीडियो के एंड में मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जहां सबसे पहले तो कल की मूवी ने 191.5 करोड़ की ओपनिंग ली है वर्ल्ड वाइड, जो कि इस साल की हाईएस्ट ओपनर है एंड ऑल टाइम थर्ड हाईएस्ट ओपनर मूवी है इंडिया की आफ्टर RRR एंड बाहुबली 2। इसके अलावा कल की के कलेक्शन इंडिया में एक्सपेक्टेड से थोड़े कम हुए हैं, बाकी नॉर्थ अमेरिका, जर्मनी और UK जैसी जगहों के ऊपर कल की ने ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया है RRR को पीछे छोड़ के। वहीं डे 2 पर मूवी ने 107 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है वर्ल्ड वाइड, जो कि मिला के हो जाता है दो दिन का 298 करोड़ रुपीज। इसके बाद मेडॉक फिल्म्स की मुंजिया मूवी की बात करें तो मूवी को रिलीज हुए 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, और मुंजिया ने कल तक 95.6 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है इंडिया में एंड 112.8 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है। ओके, देन आज की बातें यही तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। दिस इज जय सिनेमा, वॉचिंग जस्ट टेक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।